गुड आफ्टरनून भाई सबको। इन दोनों में अंतर, अगर आप मीनिंग निकालने को सोच रहे हो ना, अर्थ निकालने का, तो दोनों का मीनिंग सेम आता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर आप माई यूज करते हो तो यही मीनिंग माइन का भी होता है। डिफरेंस दोनों के ग्रामर में है। ये चूंकि प्रोनाउन है, दैट इज वाई ये किसी नाउन के साथ नहीं आएगा। ये डिटरमाइनर है तो पक्का है कि इसके साथ एक नाउन आएगा। करण, अब अगर आप देखो तो मैं एक नॉर्मल जो सब कोई जानता है, ही इज माई फ्रेंड एज ए डिटरमाइनर। ना उनके पहले आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हो, सो उसका डिटरमाइनर फॉर्म आपने यूज किया, माई फ्रेंड हो गया। पढ़ा हुआ होगा पहले से, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइन, पढ़ा हुआ है ना। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं। हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक रूल पढ़ा था कि प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। अब अगर आप इसको देखो तो एक तो रूल वायलेशन हो गया कि मैंने प्रीपोजिशन के बाद, ऑफ के बाद जो प्रोनाउन लगाया था, जैसे देखो अगर आप यहां हिम डाल रहे हो तो रूल के बेस पे बात समझ में आती है कि हमने लगाया प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद हमने प्रोनाउन रखा तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ गया। लेकिन यहां पर इस ऑफ के बाद का प्रोनाउन में तुम क्या यहां पे ही इज अ फ्रेंड ऑफ मी कर सकते हो आप? इसका मतलब कि एक जगह पे प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद आने वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होता है, उसका एक एक्सेप्शन होता है, एन एक्सेप्शन इज ऑफ। अगर प्रीपोजिशन ऑफ है तो उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो पजेसिव फॉर्म में होगा। एक्सेप्शन लेना उसको, प्रोनाउन पजेसिव फॉर्म में होगा। कारण है ये ऑफ, जैसे देखो नाउन का पजेसिव कैसे बनाते हैं हम? नाउन का पजेसिव हम एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं, प्रोनाउन के पजेसिव हम फॉर्म बदल लेते हैं, हम ही का हिज कर लेते हैं ना। नाउन में, नाउन का हम फॉर्म नहीं बदल सकते इसीलिए उसमें हम एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन इसको अगर आप देखो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब कि ऑफ जो प्रीपोजिशन है वो पजेसिव का प्रोनाउन का फॉर्म है, सॉरी पजेसिव के प्रीपोजिशन का फॉर्म है। ऑफ भी पजेसिव ही होता है, दैट इज वाई इसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो पजेसिव फॉर्म में जाएगा। इसको छोड़ के बाकी किसी प्रीपोजिशन को टेकअप कीजिए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव डालना है। गेटिंग? इन दोनों में अंतर खाली। Then, एक और सेंटेंस, अच्छा आप अपने लिस्ट में याद रखना, हिज डिटरमाइनर भी है और हिज प्रोनाउन भी है। मैं छोड़ दो, इसमें तुमको लफड़ा नहीं लगेगा, इसमें तुमको लफड़ा है। कम से कम यू में तो लफड़ा नहीं ना है, योर होता है डिटरमाइनर और योर्स होता है प्रोनाउन। लिस्ट है ना आपके पास योर और योर्स में?
राइट और रॉन्ग, दैट इज अ क्वेश्चन. सही है, हम इसको नॉर्मल फॉर्म में जैसे लिखते हैं. ऐसे लिख सकते हैं नॉर्मल में, नॉर्मल वाले में हमने डिटरमाइनर लगाया, डिटरमाइनर के बाद हमने नाउन डाला, सब्जेक्ट वर्ब बना दिया. पजेसिव के साथ एक और रूल है, पजेसिव के साथ कि आप ऐसे स्ट्रक्चर में लिख सकते हो जब ऐसा लिखा हुआ रहे तो. एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि अगर आप पजेसिव इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इस पजेसिव को प्रोनाउन वाले शक्ल में डाल दो और उसके बाद सेंटेंस का भर्ब रख लो और उसके बाद आपका सब्जेक्ट डाल दो. लेकिन ये भर्ब गाइड होगा इसी सब्जेक्ट से. हम लोग लिख सकते हैं आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, ठीक है ना, उसको ऐसे लिखा जा सकता है. हम ऐसे लिख सकते हैं आर्ट्स इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सेम मीनिंग है, बस खाली वर्ड को उलट दिया जाए तो आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक. देखो ये टारगेट करना भर्ब में या ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. यहां पे जो प्रोनाउन डालना है वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में. अब हमने सब्जेक्ट डाला, भर्ब डाला, ऑब्जेक्ट. लेकिन ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, तुमने ध्यान, तुम ध्यान दो ऑब्जेक्ट का जो ट्रेडिशनल तुमने मीनिंग सुना है, सब्जेक्ट ने कोई काम किया, इसका असर जिसके ऊपर पड़ा. नॉर्मल में मैं ट्रेडिशनल बोल रहा हूं, नॉट दैट कि हम लोग उसको हमेशा के रखें. मतलब ये कोई होता है वो थर्ड आदमी, मतलब सेकेंड आदमी होता है ना. मैंने बुलाया, किसी और को बुलाया, गेटिंग. यहां का आदमी कोई और होगा, वो सब्जेक्ट नहीं होगा. अब जरा देखो कि ये आदमी कौन है, ये खुद है या कोई और है. खुद है ना. तो याद रखिएगा कि भर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसका दो फॉर्मेट होता है. अगर ये कोई दूसरा आदमी है, अगर ये कोई दूसरा आदमी है तो आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालोगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालोगे अगर कोई दूसरा आदमी होगा तो. लेकिन अगर ये खुद होगा आपने, तो यहां पे रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल होता है. रिफ्लेक्सिव का जगह भी ऑब्जेक्ट वाले जगह पे ही होता है, बस जो सब्जेक्ट है वही भर्ब के बाद आया हुआ है, कोई और आदमी नहीं आया है, तो वहां रिफ्लेक्सिव इस्तेमाल करेंगे. देखो अभी स्ट्रगल क्यों हो रहा है,
यहां पे ऑलरेडी प्रोनाउन डाला हुआ था, सुनोगे, यहां पे प्रोनाउन डाला हुआ था तो तुमको दिखाई पड़ गया, तुमको लगा कि ये आदमी के बारे में यहां बात कर रहे हैं, इसलिए हिमसेल्फ कर दिया। कभी कभी क्या करता है रिफ्लेक्सिव में कि ट्रांजिटिव वर्ब तुमने सुना था, ट्रांजिटिव वो वर्ब जिसको अगर ऑब्जेक्ट नहीं डालो तो सेंटेंस मीनिंगलेस होता है। आई सॉ व्हाट देना पड़ेगा यहां पे, ट्रांजिटिव वर्ब जानते हो ना जिसमें व्हाट या होम का जवाब चाहिए होता है। अब अगर ट्रांजिटिव वर्ब तुमने इस्तेमाल किया तो यहां पे तुमको ऑब्जेक्ट डालना ही पड़ेगा। वह खाता है इज ए मीनिंगलेस सेंटेंस, वह आम खाता है इज ए मीनिंगफुल सेंटेंस, क्योंकि अगर तुम बोलते हो वह खाता है तो यह कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। वह का मतलब टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, हम लोग ये वह ही कहां पढ़ रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन में ना। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वो प्रोनाउन जिसके बारे में बोलने वाला लिखने वाला जानता है। अब पर्सनल प्रोनाउन के बारे में एक आदमी के बारे में बोल रहे हो वह खाता है, जबकि ये क्वालिटी तो दुनिया में हर इंसान के पास होता है, सब कोई खाता है, खाली यही थोड़ी खाता है। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेज मीनिंगलेस होते हैं। अब अगर आप सोचो कि वर्ब है उसके बाद ऑब्जेक्ट का फॉर्म आना चाहिए, जैसे देखो तो ये ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव वर्ब है कि नहीं है, अब जरा बताओ कि इसका ऑब्जेक्ट कहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि तुमको ये अपने मन से बोलता है कि यहां पे ऑब्जेक्ट सप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट अपने मन से, और ये किसके लिए, लर्नर के लिए ही ना। थिंक हिमसेल्फ एज ए लर्नर। दो तरीके से ऑब्जेक्ट आ जाएगा तुमको आराम से दिखाई पड़ेगा, ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो याद रखना ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट का आना जरूरी होता है, और अगर वही रूल कि सब्जेक्ट ही वहां पे आया हुआ है तो रिफ्लेक्सिव जाएगा। किसी भी वर्ब के साथ, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ये यूज किया जा सकता है, ये थ्योरी। ये सिचुएशन किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के साथ आ सकता है, लेकिन अगर तुम्हारी परीक्षा की बात की जाए ना तो देर आर सम वर्ड्स विच आर वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। इंजॉय, अवेल, एब्सेंट, एडेप्ट, अप्लाई, रिजाइन, बढ़ाओ मत। अच्छा, पर्टिकुलरली इस वर्ड को मैं टारगेट करना चाहता हूं, ये वर्ब है या एडजेक्टिव है। अच्छा, यहां पे अगर मैं रिफ्लेक्सिव को टारगेट करके पढ़ा रहा हूं तो इसको क्या होना चाहिए, वर्ब या एडजेक्टिव? वर्ब ना, क्योंकि रिफ्लेक्सिव का कनेक्शन वर्ब से होता है तो ये वर्ब होना चाहिए। एब्सेंट को अगर मैं बोलूं ही इज एब्सेंट तो क्या ये वर्ब है, एडजेक्टिव है ना। अगर वर्ब होता तो भी वन के पहले इज कैसे लग सकता था। सो इस वर्ड को एडजेक्टिव और वर्ब दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं। अब रूल क्या है कि दे आर वर्ब, पहला कंडीशन दे शुड बी, अच्छा वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट का यूज करना हो तो वर्ब एक्टिव में होना चाहिए कि पैसिव में होना चाहिए। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना का मतलब कि वर्ब एक्टिव में होगा। सो पहला कंडीशन कि ये वर्ब को हम यूज कर रहे हैं एक्टिव में, और दूसरा कंडीशन कि इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे इस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, ऑब्जेक्ट है या नहीं? भाई वर्ब के बाद द पार्टी लिखा हुआ तो ऑब्जेक्ट ही हो गया ना।
लेकिन अगर मैं लिखूं, अब है, अब वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है. सो कंडीशन अप्लाइड कि ये वर्ब एक्टिव में यूज हो, और वर्ब के बाद एक्टिव में अगर यूज हुए हैं, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनके बाद रिफ्लेक्सिव का इस्तेमाल होगा. सबके साथ पैसे में रूल काम नहीं करेगा. पैसे में तो ऑब्जेक्ट पहले चलाता है ना. रिफ्लेक्सिव लगेगा कि नहीं लगेगा यहां पे? तो डिटरमाइनर है, वो तो किसी भी नाउन के साथ आ जाता है. अच्छा, द बॉय लिख सकते हैं जब सब्जेक्ट बनाने में. आपका डिटरमाइनर किसी भी नाउन के पहले रखा जा सकता है. कोई दूसरा आदमी हो तो, दूसरा आदमी हो तो कर सकते हैं. सिचुएशन बनना ये सर नो. इसमें दो तीन चीज. अप्लाई का मतलब यहां पे जो वर्ड जानते हो, किसी काम में मन लगाना. यू मस्ट अप्लाई योर सेल्फ टू योर स्टडीज. You must apply yourself to your studies. Resign का मतलब होता है हार मान लेना, समर्पण कर देना किसी चीज के सामने में. हार मान लेना, resign का मतलब हार मान लेना. यहां पे त्याग पत्र देना नहीं. तो सीधे ऑब्जेक्ट आया तो नहीं लगेगा. ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो लगेगा. सिंपल सा है, ऑब्जेक्ट के पहले नहीं लगता. ये हो गया तुम्हारे रिफ्लेक्सिव का एक पार्ट. दूसरा, डन ना. दूसरा रोल होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पे अगर आपको जोर डालना हो, जैसे मैं बोलूं राम ने ये काम किया, राम डिड दिस वर्क, राम ने खुद ये काम किया, तो ये खुद और क्या कर रहा है, राम पे जोर डाल रहा है ना. तो किसी भी नाउन या प्रोनाउन पे अगर जोर डालना है तो उसके बाद उसके अनुसार एक रिफ्लेक्सिव रख दो.
राम हिमसेल्फ डिड दिस वर्क. दूसरे एक तो हो गया ऑब्जेक्ट की जगह पे, और दूसरे किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद जब इस पे जोर डालना हो. बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना हिंदी में कि मैंने खुद तुमको बताया था, मैं ही वहां गया था, तो वो ही का क्या करोगे. अच्छा अगर मैं बोलूं मैं वहां गया था, आई वेंट देयर, अब मैं बोलूं कि मैं ही वहां गया था, तो वहां पे आई माई सेल्फ वेंट देयर. जब किसी नाउन या प्रोनाउन पे जोर डालना हो तो उसके जस्ट बाद आप रख सकते हो. प्रीपोजिशन लगाने का मतलब क्या कि हम ऑब्जेक्ट हटा रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो रिफ्लेक्सिव लगा दो, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ट्रांजिटिव वर्ब एक्टिव में होगा तो भर के बाद उसका ऑब्जेक्ट आना चाहिए, ऑब्जेक्ट गैप है तो मुझे रिफ्लेक्सिव लगाना पड़ रहा है. अब एक वर्ड जो उसमें बच गया है उसको आज खत्म ही कर डालो. वन था ना आपके प्रोनाउन में, इसको जरा अलग से पढ़ने की जरूरत है. वन इज अ प्रोनाउन, जिसका मतलब होता है अ पर्सन. हिंदी तो नहीं बन पाएगा. वन इज अ डिटरमाइनर, शायद कार्डिनल डिटरमाइनर होता है, 1 2 3 4 बताने वाला, जिसमें वन के बाद कोई नाउन आएगा. वन बॉय, वन पर्सन, वन मैन. यहां पे वन चूंकि अ पर्सन है तो इसके बगल में कोई नाउन नहीं आएगा. ये प्रोनाउन है, प्रोनाउन के बगल में नाउन नहीं आता, डिटरमाइनर के बगल में आता है. एंड वन का थर्ड यूज एज ए नाउन प्लस प्रोनाउन. अब वन का जो फॉर्म होता है आपको याद है, जैसे ही का हिम हुआ तो ऐसे वन का वन ही हो जाता है. वंस होता है अपोस्ट्रोफी लगा के, वन सेल्फ होता है ना. वन शुड डू वंस ड्यूटी, अ पर्सन शुड डू हिज ड्यूटी, गेटिंग ना. इसको देखो एज ए नाउन एज ए प्रोनाउन मैंने कहा, शायद आपको सुन के थोड़ा अटपटा लगा होगा. अच्छा अगर मैं इस वन को, अगर इसका पजेसिव फॉर्म मैं ऐसे डाल रहा हूं तो ये प्रोनाउन है कि नाउन है. एपोस्ट्रॉफी किसमें लगाते हो, नाउन में ना, प्रोनाउन में कभी एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाते. अगर हम वन का रिफ्लेक्सिव बनाते हैं वन सेल्फ तो ये प्रोनाउन है कि नाउन है. दुनिया में कोई किताब इसके बारे में नहीं बात करती कि नाउन है कि प्रोनाउन है, सब लोग साइलेंट है, बिकॉज कंट्रोवर्शियल चीज है. तुमको यह समझना होगा, एकदम मत डिसाइड करो कि नाउन है कि प्रोनाउन है. एक अजीबोगरीब फॉर्मेट बनता है, आधा काम प्रोनाउन का और आधा काम नाउन का. राम सेल्फ कभी नहीं बोलते, हिमसेल्फ बोल सकते हैं. तो सेल्फ लिया तो प्रोनाउन हो गया, एपोस्ट्रॉफी लिया तो नाउन हो गया. और एक और चीज, सिंगुलर में वन होता है और प्लुरल में इसी वन का वंस होता है. वंस, ओ एन ई एस, जैसे बॉय में एस लगाते हैं ना वैसे वन में भी एस लगाते हैं प्लुरल बनाने के लिए. अब ये नाउन की प्रोनाउन नाउन हो गया. इस वन के पहले हम एडजेक्टिव लगा सकते हैं, इस वन के पहले हम द लगा सकते हैं, डिटरमाइनर लगा सकते हैं. अब ये नाउन की प्रोनाउन
एडजेक्टिव किसके, प्रोनाउन के पहले भी डाल सकते हो, नाउन के पहले ना, तो ये नाउन का भी शक्ल लिए हुए है, प्रोनाउन का भी है। अब ये दोनों का मिक्सचर होता है और ये तीनों अलग अलग फॉर्म है। मैं इस मीनिंग में नहीं बात कर रहा हूं, देखना यार, ध्यान देना। यहां ना अ पर्सन नाउन है, अब वो देख लें तुम। सही सुनने से भाई, ही रहता तो ना ही लगाते, वन का अपना होता है ना। तुमने बोला नाउन है, इसका प्लुरल बनाओ तो नाउन होगा तो प्लुरल बनेगा, और अनकाउंटेबल नाउन तो है नहीं, तो यहां पे मजबूरी बस इसको प्रोनाउन मानना पड़ेगा, ठीक है। एक आदमी दुनिया नहीं बदल सकता, दैट माइनर। Once, ईज लगा हुआ यार, अच्छा मेरे पास लाल एक ही पेन हो तो क्या करेंगे, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, लेकिन लाल वाली पेन मेरी फेवरेट है। अब जरा ध्यान दो यहां पे, वन लगा, वन के पहले आपने डिटरमाइनर लगाया, द गुड बॉय नाउन की तरह यूज हुआ है ना, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि वो किस वन की तरह यूज हुआ है, वो डिसाइड करने के लिए आपके पास इस वन के बाद कोई नाउन आएगा, ये वन अकेले रहेगा, इस वन के पहले इन दोनों में से कोई ना कोई एक चाहिए, कोई ना कोई एक चाहिए, एडजेक्टिव या डिटरमाइनर, पर्टिकुलरली डिटरमाइनर तो आएगा ही आएगा। और यहां पे देखो तो इसका कैरेक्टर नाउन का है कि प्रोनाउन का है, स्ट्रक्चर तो नाउन का है, कैरेक्टर प्रोनाउन का नहीं है। आप पीछे में आए हुए नाउन के बदले में इस्तेमाल कर रहे हो, अगर हम इसके जगह पे पेन भी लिख दें तो कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो ये वाले पार्ट में ना बहुत डिसीजन मुश्किल होता है, और इसीलिए कभी ग्रामेरियन से इस चक्कर में नहीं पड़ते कि ये नाउन है कि प्रोनाउन है। बस आप ये समझ लो कि इसका कुछ कैरेक्टर नाउन से मिलता है, कुछ कैरेक्टर प्रोनाउन है, और वो अपने पीछे आए हुए नाउन के बदले में इस्तेमाल होगा। गेटिंग, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ योर यूसेज ऑफ प्रोनाउन चैप्टर एक्सेप्ट प्रैक्टिस ओवर।